हमीरपुर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान 7 से 10 बजे के बीच अब पुस्तक विक्रेता की दुकानें भी खुली रहेंगी। इस दौरान अब लोग जरूरी सामान के अलावा छात्रों के लिए किताबें और स्टेशनरी भी खरीद सकते हैं। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें खुलने पर आज सुबह 7 से 10 बजे के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए दुकानों में आकर किताबें खरीदी। वहीं इस अवसर पर किताबें खरीदने पहुंचे लोगों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। हमीरपुर बाजार में किताबें खरीद रहे लोगों ने जिला प्रशासन के कर्फ्यू के दौरान किताबें मिलने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही किताबें खरीदने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। स्थानीय निवासी विक्रम ढटवाली ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान पुस्तक विक्रेताओं को भी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर ही किताबें बेचनी चाहिए। नहीं, फायदा तो होना ही होना है, बट ये है कि इसमें सोशल डिस्टेंस तो चाहिए और जितनी भीड़ जुटी हुई है इसके लिए टाइमिंग थोड़ा सा या तो इनकी बढ़ा दें या कुछ ऐसा कर दें कि भाई पुलिस वाले भी थोड़ा सा पहरा बनाएं, क्योंकि आदमी भूल रहा है, अपनी बारी की इंतजार में सोच रहा है कि 10 न बज जाएं और जल्दी जल्दी में मैं भी ले लूं। और थोड़ा सा हमीरपुर के लोग शायद इसलिए भी थोड़े निश्चित हो गए हैं कि पॉजिटिव केसेस यहाँ नहीं है, तो थोड़ा नॉर्मल कैजुअल से हो गए हैं, वो नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि वो एक भी आदमी इफेक्टेड आ जाएगा यहाँ तो परेशानी तो सबको होगी। वही विकास दीक्षित का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात की जा रही है, तो इससे बच्चों को अब किताबें भी मिल जाने पर सुविधा मिलेगी। देखिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, देखिए जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को औजार की जरूरत पड़ती कोई काम करने के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए किताबों की आवश्यकता है। बुक्स होंगी तो जो ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स ने शुरू की है तो पेरेंट्स और बच्चे जो हैं उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और साथ में जो सिलेबस उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो घर पे उसको उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है और इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो बच्चों को इसमें सुविधा मिलेगी और पेरेंट्स भी इसमें कर पाएंगे। लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए किताबें मिल जाने से अब कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। छत तक सही इसलिए है कि घर में जो बच्चे हैं उनको कुछ स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन होमवर्क दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तंग भी कर रहे हैं। पर अगर जो ये रूल बनाए हैं, जो ढील दी गई है, अगर पेरेंट्स इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, आज देखा भी गया है कि कुछ बुक्स की शॉपों पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो अगर जनता इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करती है तो ये डिसीजन सही भी है, क्योंकि पढ़ाई पे असर पड़ेगा ना, इसे बंद रहेंगे तो कॉपियाँ लेंगे तो काम अपना कर लेंगे, ऑनलाइन कर रहे हैं जो पढ़ाई चली हुई नहीं, कार्रवाई करेंगे तो इतनी गैदरिंग भी नहीं होगी और भीड़ से बचने के लिए जिस तरह से बनाया जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इस तरह से कार्रवाई की जाए तो ठीक रहेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रशासन का बहुत अच्छा फैसला है, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो कई दिनों से बहुत परेशान थे और हमें बार बार स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि हमें बुक्स चाहिए लेकिन हम दे नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने उनको बोला था कि 14 अप्रैल तक रुको, प्रशासन ने 11 अप्रैल को ही ये खोल दिया और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत राहत मिली। क्या तो आपके पास इतनी बुक्स अवेलेबल हैं जो डिमांड है मार्केट से? नहीं, जितनी डिमांड है, यहाँ पे ऐसा है कि डिफरेंट स्कूल हैं उनकी किताबें डिफरेंट होती है, जो कुछ एक पब्लिकेशन की किताबें हैं वो ट्रांसपोर्ट में अभी तक प्रोसेस में फंसी हैं और बहुत सारी बुक्स जो पंजाब और दिल्ली से आने वाली है वो अभी तक आई नहीं है। हमारे पास जितना स्टॉक अवेलेबल है उसको हम पूरे मतलब सोशल मेंटेन करके ये सारा हम दे रहे हैं। कोशिश करी हमने सुबह से ही 6:30 बजे से पहले ही, 7 बजे दुकान खुली, 7 बजे दुकान खुलने से पहले ही यहाँ पे जो इनके नॉर्म है उसके हिसाब से हमने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि हम भीड़ लोगों की ज़्यादा ना लगने दें।